हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी ट्रिक है, जैसे कि हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी और सी। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज बी ओ और सी। तो फ्रेंड्स, हमें कहा गया है कि एंगल बी व एंगल सी के समद्विभाजक त्रिभुज के बाहर बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, एंगल बी का जो समद्विभाजक है बी ओ ये है, इसी प्रकार जो एंगल सी का समद्विभाजक है सी ओ, ये दोनों फ्रेंड्स कहीं इस वाले त्रिभुज के बाहर बिंदु O पर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ज्ञात करना है कि यदि एंगल A की वैल्यू हमें दे रखी हो और एंगल O की वैल्यू हमें पूछी हो, तो एंगल O की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार फ्रेंड्स, एंगल O की वैल्यू हमें दे रखी हो या फिर एंगल A की वैल्यू हमें पूछी हो, तो फ्रेंड्स एंगल A की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज ओबीसी में ये वाला त्रिभुज है त्रिभुज ए बी और सी, इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज है त्रिभुज ओ बी और सी। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस वाले त्रिभुज में हम देखें तो एंगल ओ प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ओ सी बी, इन तीनों जो एंगल्स का योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो ये बी हो है, ये फ्रेंड्स इस वाले एंगल का समद्विभाजक है, तो एंगल ई बी ओ जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा एंगल ओ बी सी के। इसी प्रकार फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो ये वाला एंगल है एंगल एफ सी ओ, ये इक्वल होगा एंगल ओ सी बी के। तो फ्रेंड्स, यहां से हम देखते हैं कि जो एंगल है इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी को, ये वाला जो एंगल है फ्रेंड्स ओ बी सी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं ओ बी सी, इसे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ई बी सी के। फ्रेंड्स, यदि ये समद्विभाजक है तो इस पूरे के आधे के इक्वल होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स, एंगल ओ सी बी को, ये वाला जो एंगल है इसे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये समद्विभाजक है यदि, तो फ्रेंड्स ये वाला एंगल होगा ये क्या होगा 1/2 एंगल ऑफ एफ सी बी के। तो फ्रेंड्स, यहां से हम देखते हैं एंगल ओ प्लस ओ बी सी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ई बी सी प्लस ओ सी बी है, इसे क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल एफ सी बी बराबर 180 डिग्री। फ्रेंड्स, ये हमें दे रखा है, इसके आगे हम देखते हैं तो फ्रेंड्स ई बी सी को हम क्या लिख सकते हैं एंगल ओ प्लस हाफ ई बी सी है फ्रेंड्स, ये वाला एंगल है ई बी सी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, जो ये वाला एंगल है इसके योग के इक्वल होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस, इसी प्रकार फ्रेंड्स हाफ एंगल एफ सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल है एफ सी और बी, ये जो फ्रेंड्स पूरा एंगल है इसे हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ये अंदर वाला एंगल है इसके योग के बराबर होता है, तो इसे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। फ्रेंड्स, इसके लिए भी मैंने एक प्रमेय बनाई है, इसकी वीडियो मैं अपने पहले वाली वीडियोज़ में डाल चुका हूँ, तो वहाँ से आप देखिए इज इक्वल टू 180 डिग्री ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम देखते हैं एंगल ओ प्लस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी, इस हाफ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है कोष्टक से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखेंगे कि जो हाफ ऑफ एंगल ए है और हाफ ऑफ एंगल ए है, ये दोनों जुड़कर फ्रेंड्स एंगल ए बनाते हैं, एंगल ओ प्लस ये हो जाएगा एंगल ए प्लस, इन दोनों टर्म्स में से ये हो गया हाफ ऑफ एंगल सी, इसी प्रकार ये हो गया हाफ ऑफ एंगल बी, इन दोनों टर्म्स में से यदि हम हाफ कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल सी कोष्टक में आ जाता है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखते हैं कि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 180 माइनस एंगल ए, इसका हमने पक्षांतर कर दिया है इस एंगल ए का, तो माइनस का हो गया इस तरफ आते ही। तो यहाँ से हम देखते हैं एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस 180 का हाफ क्या होगा फ्रेंड्स, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स एंगल ए में से हम हाफ ऑफ एंगल ए घटाते हैं तो हमारे पास हाफ ऑफ एंगल ए बचता है, एंगल ओ प्लस हाफ ऑफ एंगल ए यहाँ हो जाएगा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स दोनों तरफ से हम 90 घटाते हैं तो माइनस 90, और इस तरफ से 90 घटाएंगे तो ये 90 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार दोनों तरफ से हम ए बाई टू घटाते हैं तो इस तरफ से तो ये ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ बचेगा माइनस एंगल ए बाई टू। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास क्या आता है कि जो एंगल ओ है ये इक्वल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बच जाएगा, माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं जैसे कि हमें ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, दी गई शेप में एंगल बी व एंगल सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर त्रिभुज के बाहर कहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स एंगल बी एंगल सी के जो समद्विभाजक है इस त्रिभुज के बाहर कहीं बिंदु ओ पर मिलते हैं, ये हमें दे रखा क्वेश्चन में। इसे आगे दे रखा है एंगल ए 52 डिग्री है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो एंगल है ये हमें 52 डिग्री दे रखा है और एंगल ओ की वैल्यू हमें पूछी है कि जो एंगल ओ है उसका मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू 52 डिग्री दे रखा है और हमने जो ट्रिक निकाली है उसमें है कि जो एंगल ओ है उसकी वैल्यू होगी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए की वैल्यू हमें दे रखी है 52/2। तो यहाँ से हम देखेंगे 90 माइनस 2 से काटा फ्रेंड्स, 2 2 4 एक, 2 2 6 12। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देखते हैं जो एंगल ओ की वैल्यू है वो हो जाएगी 90 माइनस 26, तो 10 से माइनस किया 6 को तो 4 बार, इसी प्रकार 8 से 2 को माइनस किया तो 6 बार, तो 64 डिग्री हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एंगल जो ओ की वैल्यू होगी वो होगी 64 डिग्री। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।